नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं, खुश हैं और इसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस आप लोगों का सहारा है, उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे हमारी वीडियो को शेयर करके। तो मैं आ गई हूँ खेतों में और ये है शाम का टाइम, शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी मैंने गैयों का काम जस्ट ख़त्म किया है और 2 वीडियो की एडिटिंग की है, ये सब काम साढ़े ख़त्म किया चार है मैंने। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जो है मुझे गोभी तोड़ना है और इसकी सब्ज़ी मुझे बनानी है और लहसुन की पत्तियाँ खोटनी हैं। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ, जो है मेरे काम को करवाइए और गोभी की सब्ज़ी मैं बना के आज दिखाऊंगी आप लोगों को। तो देखिएगा मैं गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। कई तरीके से बनाती हूँ लेकिन कभी कभी जो है सामान जब नहीं रहता तो दूसरे तरीके से शेयर नहीं कर पाती हूँ, इसका रीज़न यही है। तो आइए गोभी तोड़ लेते हैं। आ जाओ बेटा, कौन वाला तोड़े पहले देख लिया जाए। इधर ये नहीं होना है, ये वाला, ये तो खराब हो गया। कौन? तो इसको भी लेके चल चलो। अरे राम, बड़ा मजबूत बाहो। ई देखिए गोभी, फोटो खींच लाओ। चल रुक जा, वो छोटका उखार ले और लहसुन का पतिया ले लें। हमें पता है, तो उसे पहले चार्जेस तो कहे हुए थे। ऊपर का फट रहा तो नीचे का नहीं फटेगा क्या? और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, आप लोगों को ये साड़ी कैसी लगी बताइएगा। ज़्यादा नई साड़ी नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन ये देखिए इसका आँचल कैसा है। पुराने मतलब जो डिज़ाइन होते थे ना साड़ी के, उसमें ऐसे सितारे लगे रहते थे, तो जो है वो सितारे जो है बहुत चुभते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चुभता है। तो मैं तो अब सिंपल ही साड़ी लेती थी, लेकिन ये तो मतलब मुझे मिला हुआ है, जो है क्या कहते हैं रिश्तेदारी में, और बहुत रिक्वेस्ट आई थी हैंकी टक्की, तो वही मैंने करके दिखाई है, हैंकी और मोबाइल टक करके। तो देख लीजिए कैसे टक किया जाता है, बस इस तरीके से हैंकी को टक किया जाता है। और मैंने मोबाइल लिया है छोटा वाला हस्बैंड का, तो उसको भी टक करके दिखा दे रही हूँ। बस हो गया, चैलेंज मेरा पूरा हो गया। और ये मैं फिर दोपहर में गई थी जो है इसको लेने के लिए, गोभी के फूल, और इसको लेने के लिए दोबारा, क्योंकि जो है गोभी मुझे कम लग रही थी, तो इसको ले जाऊंगी मैं। और अब मैं मटर वटर छीलूंगी क्योंकि ये शाम होने वाला है, तो मटर छील लेते हैं और अपना कुछ काम कर लेते हैं। और कितना भी काम करो ना, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा रहता है। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, तो मटर छील के मुझे जो है जल्दी से जो है जाना है ऊपर, और कुछ काम है किचन में, उसके बाद फिर खाना पानी का हो जाएगा। और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, अभी भी शाम के 4:45 बज रहे हैं, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में 6 बजे और मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं बना रही हूँ जो है गोभी की सब्ज़ी और चावल रोटी, यही बना रही हूँ, और धनिया की चटनी रहेगी। तो यही मतलब शाम को मेरे वहाँ जो है जल्दी दाल नहीं बनता है, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो नहीं तो खर्चा डबल हो जाएगा, इस वजह से जो है शाम के टाइम दाल नहीं बनता है। तो मैंने जो है क्या कहते हैं कढ़ाई में तेल गरम किया था, उसमें मैंने जो है गोभी डाला है, और गोभी फ्राई हो गया है, उसको ब्राउन ही मैंने फ्राई किया, अपनी सूखी गोभी है, इसका टेस्ट तो अलग ही होगा बाज़ार वाले गोभी से। तो आप लोग भी आ जाइएगा खाने के लिए।
और अभी तो बना ही रही हूँ, आप लोगों को पहले ही बुला रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज डालने के बाद इसको काफ़ी अच्छे से भून लेते हैं ब्राउन होने तक। और इसमें मैंने हींग डाला है, आज मेथी नहीं है, नहीं तो मेथी भी मैं डालती हूँ। और पक जाता है मेथी तभी मैं प्याज डालती हूँ। और उसके बाद मैंने रोज़ वाले मसाले डाल दिए हैं इसमें, धनिया, लहसुन, जीरा, मरीच और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, यही सब है इसमें। और मेरे वहाँ जो है हरा मिर्चा पड़ता है, इस वजह से हमारे जो है क्या कहते हैं मसाले का कलर हरा हो जाता है। लेकिन जब कोई टेस्ट वेस्ट आते हैं ना तो हरा मिर्चा नहीं पड़ता, क्योंकि पता नहीं किसको अच्छा लगे किसको ना अच्छा लगे, इस वजह से जो है नहीं पड़ता है। ऐसे नहीं तो हरा मिर्चा ही पड़ता है, सूखा मिर्चा नहीं पड़ता, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इस वजह से नहीं पड़ता है। पापा को ज़्यादा दिक्कत करती है तो इस वजह से नहीं पड़ता। उसके बाद मैंने जो है एक तरफ मसाला भून रहे हैं तो दूसरी तरफ मैंने सोचा लाओ आटा भी चाल लेते हैं, क्योंकि जो है जल्दी से जल्दी काम निपटा लो ना तो अच्छा होता है, नहीं तो मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है और दिक्कत होने लगती है। और फैमिली बड़ी है तो ज़्यादा ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ता है। और देखिए हमारा मसाला जो है हो गया है, भुना गया है, बनके तैयार हो गया है। तो इसमें डाल देते हैं हम लोग सब्ज़ी। तो टमाटर भी मैंने साथ में डाल दिया और मसाले में मैंने नमक मिला दिया है। इस वजह से मैंने मिलाया है कि जो है जो है ये सब्ज़ी मैं डालूँ तो मतलब इसको मिला के ढक लूँ तो टमाटर भी उसी में गल जाए, थोड़ा सा टमाटर का खट्टापन जो है सब्ज़ी में आ जाए, इस वजह से मैंने डाला है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग के मतलब वहाँ कैसी तैयारी चल रही है होली की, और ये वीडियो कब जाएगी मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसके बाद मैंने ढक दिया था इसको करीब 5-6 मिनट के लिए। दूसरी तरफ मेरा चावल उबाल रहा है और अब मैं आटा गूंथ लेती हूँ, नहीं देर हो जाएगा। तो आटा मैं ऐसे ही गूंथती हूँ, और ज़्यादा जब रहता तो ज़मीन पे बैठ के गूंथती हूँ, थोड़ा आटा रहता तो यहीं पे गूंथ लेती हूँ ऊपर ही, क्योंकि जो है मेरा ये जो केबिन है ना तो इसमें जो है जगह ज़्यादा नहीं रहती, इस वजह से तसला गिरने का डर रहता है। ये मैं गैस का फ्लेम जो है लो कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो जो है चावल का पानी गिरने लगेगा। तो पता नहीं क्या मेरा किचन जो है अच्छा सा होगा, एकदम बढ़िया बढ़िया टाइल्स वगैरह लगा रहेगा, और मुझे भी बहुत खुशी होगी जब होगा। देखते हैं कब होगा वो दिन, कब आएगा, मेरा तो सपना है, देखते हैं कब पूरा होता है ये मेरा सपना। और आप लोगों के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, देखते हैं कब पूरा करते हैं। और आटा जो है रोटी बनाने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले गूंथ के रख देना चाहिए तो रोटी एकदम फूली फूली बनती है। यही मेरी फूली फूली रोटियों का राज है कि मेरी रोटी आप लोग कहते हो ना फूली फूली बनती है, तो यही राज है और कोई राज नहीं है। इसी वजह से मेरी रोटियां फूली फूली बनती हैं। और आटे को खूब मैदना चाहिए, खूब मैदना चाहिए, जिससे जो है वो एकसार हो जाए। और रेस्ट होने के लिए जब रखें कम से कम आधा घंटा रखा रहने दें, उसके बाद जो है रोटी बनाएं। रोटी को मुलायम बनती है, फूली फूली बनती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो तसले में मतलब मैं आटा गूंथती हूँ लेकिन लगता नहीं इसमें आटा गूंथा गया, एकदम मैं साफ़ कर देती हूँ तसले को। और मेरी मम्मी भी ऐसे ही गूंथती थी, मेरी अम्मा और बिट्टू की दादी भी ऐसे ही गूंथती थी, उन्हीं सब लोगों से मैंने ये सब काम सीखा है, पहले मुझे कुछ नहीं आता था। तो अब हम
हम लोग सब्जी भी देख लेंगे। आटा क्योंकि गूंथ लिया है मैंने, सब्जी देख लेना है और उसमें पानी डाल देना है। तो चलिए सब्जी देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी ने अपना पानी जो है छोड़ दिया है, और जो है टमाटर भी गल गया क्योंकि इसमें खट्टापन जो आना था वो आ गया होगा। और परिवार के हिसाब से आप अपने पानी डाल दीजिए इसमें और इसको ढक दीजिए करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। गोभी की ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। और ये देखिए हमारी गोभी की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। आप लोग भी आ जाइए गोभी की रस्से वाली सब्ज़ी खाने के लिए यूपी स्टाइल में। तो बिट्टू ने जो है पराठा बनाया है और वो समझ अपना सब्जी निकलवा रही हैं। तो देखिए आप लोग भी आ जाइए अगर अच्छा लग रहा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।